तारीख 9 जून साल 2024 जम्मू की शिवखोड़ी में तीर्थ यात्रियों के एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। तारीख 11 जून साल 2024 कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में छिंदवाड़ा के करीब दासुई के शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। तारीख 12 जून साल 2024 डोडा जिले में 2 आतंकी हमले हुए, इसमें 5 जवान और एसपीओ घायल हो गए थे। तारीख 26 जून साल 2024 डोडा जिले के गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई थी। तारीख 7 जुलाई साल 2024 रजौरी जिले के मंजाकोट इलाके के गुलाठी गांव में प्रादेशिक सेना के शिविर पर सुबह करीब 4 बजे गोलीबारी हुई, जिसमें 1 जवान घायल हो गया। तारीख 8 जुलाई साल 2024 जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के चमेड़ी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी के साथ 5 जवान शहीद हो गए और अन्य 5 घायल हुए हैं। आतंकवादियों की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। अब सेना ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसमें सवाल उठ रहा है कि आखिरकार घाटी छोड़कर आतंकवादी अब जम्मू को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू क्षेत्र शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, मगर अब बम के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी में सेना की पकड़ मजबूत हुई है। आतंकी हमलों और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में भी काफी कमी आई है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। ऐसे में आतंकियों के आकाओं में यकीनन बेचैनी होगी, इसीलिए आतंकियों ने नए नए टारगेट चुने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में हालिया वृद्धि उनके पाकिस्तानी आकाओं द्वारा आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। डोडा जिले के गंदोह इलाके में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।